सुधीर भाई जो हमारे प्रत्याशी हैं प्रयागराज से, अच्छा प्रयागराज का तो मिल रहा है और हम तीन बड़े वादे के साथ इस चुनाव में हैं, हाउस साफ, वाटर टैंक, शहर होगा साफ। तीन मुद्दों के साथ हम इस चुनाव में लड़ रहे हैं और मैं तो कहना चाहता हूँ, तुम्हें लेंगे अच्छा एक मोदी जी को दिया, ये शहरों की सफाई का काम है, ये काम खाड़ वालों को दे दीजिए, हम अच्छे से एक बेहतरीन प्रयागराज बना के दिखाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रयागराज बना के दिखाएंगे। आज कई जगहों पे ऐसे पहले रायबरेली में, लखनऊ में अच्छा समर्थन आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में मिला है और उम्मीद है कि नगर निकाय के चुनाव में अच्छा परिणाम आ। एक अहम सवाल है कि प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, हाउस टैक्स वाटर टैक्स माफ का जो आपने नारा दिया है, कैसे ये पॉसिबल करेंगे? लोकल बॉडी एक स्वतंत्र इकाई होती है और उसको टैक्स बढ़ाने का भी अधिकार है, घटाने का भी अधिकार। तो आम आदमी पार्टी तो जहाँ रहती है जो कहती है वो हम करके दिखाते हैं, हम गारंटी पार्टी है, हम जुमला पार्टी नहीं है, कांग्रेस आपका पार्टी भी नहीं है, हम गारंटी पार्टी है, जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। कांग्रेस आपके बाद 300 रुपये खरीदेंगे करके कहा से लोग करके दिखाया, उन्होंने कहा माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करेंगे, कांग्रेस आपकी बातों को झूठा ठहरा रही है, कह रही है आप झूठा दे रहे हैं इस समय लोगों को, प्रयागराज की जनता को क्या कहिए? देखिए कांग्रेस भ्रष्टाचार की जगह है, कांग्रेस पार्टी के बारे में आप क्या, कांग्रेस पार्टी ने अगर वास्तव में ठीक ढंग से काम किया होता तो आज भाइयों का जो जुर्म बर्दाश्त करना पड़ता है, जो उनका कसरत की उनकी जो राजनीति चल रही है, ये दुकान कैसे लगा पाते भाई? अजीत पवार के साथ किसने शपथ लिया था? वाटर घोटाला करके हेमंत विश्व शर्मा किस पार्टी का मुख्यमंत्री? मुकुल राय किस पार्टी में जिसने सनातन नाता स्कैम किया? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे में पकड़ा गया। भाजपाइयों का गढ़, भाजपाइयों की पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार का गढ़ है।